हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को चुनाव हुआ। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी को बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। चुनाव आयोग ने शनिवार शाम के वक्त लोकसभा चुनाव की घोषणा करती देश की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की भी घोषणा की थी। इनमें हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके तहत बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन सभी बागी नेताओं को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें राहत मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक इन सभी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उपचुनाव होंगे। जानकार मानते हैं कि बागी नेताओं के लिए भी यह परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि 15 महीने पहले ही सभी 6 विधायक नेताओं ने विधायकी का चुनाव जीता और अब एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। इन 6 विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल व चैतन्य शर्मा शामिल हैं। ये सभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से नाराज होकर क्रॉस वोटिंग कर गए थे। अब इनकी सदस्यता रद्द होने के चलते ये विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए ही अब इनके क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है। 1 जून को वोटिंग होगी।